बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से साग की रेसिपी शेयर करेंगे। ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। हम आपके साथ यूनिक स्टाइल में साग की असल रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ये एक प्लेट पालक लिया, इसको हमने काट लिया है। तकरीबन एक किलो या डेढ़ किलो के बराबर हमने ये सरसों का साग लिया, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और काट लिया है। एक प्याली हमने मेथी ली है जिसको हमने काट लिया है, और एक प्याली ही हमने बथुआ लिया है, इसको भी हमने काट लिया है। ये हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। हम तमाम सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। सरसों के साग को हमने पहले से बॉयल करके पानी इसका निकाल लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसको हम ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्जी के मुताबिक हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं। तमाम सब्ज़ी अच्छी तरह पक जाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे या फिर इसको चॉपर में घुमा लेंगे ताकि ये पेस्ट सा बन जाए और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हो। ये साग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और इसको आप मकई की रोटी के साथ खाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। हमने इसमें मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड की हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें ऐड कर सकते हैं। नमक हम इसमें बाद में ऐड करते हैं क्योंकि सब्ज़ी भुजने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसकी वजह से नमक तेज़ हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। हमने इसको चॉपर में निकाला है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी घोट सकते हैं। ये साग तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम बघाड़ लगाएँगे। इसके अंदर हम लहसुन का हमने एक बंच लिया था उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। लहसुन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लहसुन से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर साबित लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बघाड़ हमारा तैयार है। अब इसको हम साग पर अप्लाई कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बघाड़ तैयार हुआ है। अब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे ताकि अच्छा सा साग तैयार हो। यह हमारा साग तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।